राम राम भाई सभी को, वेलकम टू सैगी व्लॉग्स। आज हम आए हैं शनिदेव मंदिर, जो कि कोकिला वन मथुरा में है। काफ़ी फेमस मंदिर है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। हर सैटरडे लाखों लोगों की यहाँ भीड़ होती है भाई। बाकी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे। कोकिला वन धाम मथुरा शहर के नंदगांव में स्थित है। यहाँ शनि देव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि द्वापर युग में शनि देव अपने आराध्य भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए नंदगांव आए थे। शनि को नंद बाबा ने रोक दिया क्योंकि वे उनकी वक्र दृष्टि से भयभीत थे। तब दुखी शनि को सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने संदेश दिया कि वे नंदगांव के निकट वन में उनकी तपस्या करें, वे वहीं दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। तब शनि देव ने स्थान पर तप किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कोयल रूप में उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे कोकिला वन धाम में ही रहने लगे। यही कारण है कि स्थान का नाम कोकिला वन पड़ा। साथ ही कृष्ण ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वहीं विराजमान हो जाएं और स्थान पर जो उनके दर्शन करेगा उस पर शनि की दृष्टि वक्र नहीं पड़ेगी बल्कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही भगवान कृष्ण ने भी उनके साथ वहीं रहने का वादा किया। तब से ही शनिदेव के भाई और कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान हैं। भक्तगण यहाँ किसी प्रकार की परेशानी लेकर आते हैं तो शनिदेव उनकी परेशानी दूर करते हैं और सभी कष्ट हट लेते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी उम्मीद के साथ यहाँ शनिवार के दिन दूर दूर से सैकड़ों भक्तगण अपनी फरियाद लेकर आते हैं और अपनी झोली भर कर जाते हैं। शनिवार के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। देश विदेश से कृष्ण दर्शन को मथुरा आने वाले हजारों श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के दर्शन करते हैं, फिर कोकिला वन धाम की सवा कोसीय परिक्रमा करते हैं। इसके बाद सूर्य कुंड में स्नान कर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर आदि पूजा अर्चना करते हैं। शनि न्याय के देवता हैं, ये कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए वैदिक ज्योतिष में शनि सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं। इसलिए शनि के अच्छे बुरे फल का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इस कारण शनिदेव किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं, वहीं शनिदेव की टेढ़ी नजर पड़ जाए तो उसका जीवन कष्टों दुखों और समस्याओं से भर जाता है। यही वजह है कि अन्य ग्रहों की तरह केवल कुंडली में शनि ग्रह के शुभ अशुभ स्थिति मायने नहीं रखती है बल्कि व्यक्ति के कर्म भी शनि की कृपा या नाराजगी कारण बनते हैं। हमेशा ऐसे कर्म करने से बचना चाहिए जो शनि को नाराज कर देते हैं। जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनि देव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनि देव अपने पिताजी से क्रोधित हो गए। शनि देव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जल गया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनि देव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा उनके पिता से अधिक हो जिससे सूर्यदेव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों से उनका स्थान बहुत ऊंचा है। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कोई की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बालावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुँची तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह भारी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएंगे। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्ष के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाएगा।